क्या सर्दियों में आपको भी घर के काम करने में दिक्कत आ रही है? सुबह से रात कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मैं बनाती हूँ अपने चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस जो बिल्कुल आपके घर से रिलेटेड रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सर्दियों के दिन में आप किचन का काम कैसे फटाफट से कर सकते हैं, जिसके बाद आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, अपने घर के लिए टाइम मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। चलिए ये अमेजिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेल, ठंड के दिनों में हमारे लिए सबसे बड़ा काम होता है बर्तन को धोना। हमें हाथों में ठंड लगती है और हाथ भी काफी ज्यादा रूखे हो जाते हैं। इसके लिए मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप हैंड ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, उससे आपके ना हाथ भींगेंगे और आपका हाथ भी ड्राई नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम हमारे पास तो हैंड ग्लव्स है नहीं, हम क्या करें। तो अगर आपके पास भी हैंड ग्लव्स नहीं है तो आप यहाँ पर इस तरह के पॉली बैग को ले सकते हैं। इस तरह के पॉलीथीन आपके घर पे जो सामान आते हैं उन्हीं का है। और यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड लिया है और रबर बैंड की हेल्प से मैं इसे अपने हाथों में अच्छी तरह से सिक्योर कर लूंगी। तो अभी मेरे घर पे तो कोई नहीं है, तो दोनों हाथों में मुझे अपने से ही लगाना पड़ रहा है। अगर आपके कोई घर पे है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सिंपल सा विदाउट एनी कॉस्ट हैंड ग्लव्स बनके तैयार हो गया है। अब आप इससे अपने बर्तन को धोइए, आपके हाथों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और ना ही आपके हाथ सर्दियों के दिनों में रूखे पड़ेंगे। हमारे किचन में बहुत सारे किचन टॉवल होते हैं। कुछ को हम अपने बर्तन को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, कुछ को अपने काउंटर टॉप को पोंछने के लिए यूज करते हैं, कुछ को अपने हाथों के लिए रखते हैं और बहुत सारे ऐसे भी टॉवल्स होते हैं जिनसे हम अपने बर्तन वगैरह को पोंछते हैं। बहुत सारी चिकनाइयां, तेल वगैरह हमारे किचन टॉवल में लग जाती है। तो मुझे पता है कि आप इसे गर्म पानी से धोते हैं इसे अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ इससे आपके किचन बहुत ही जल्दी साफ हो जाएंगे और हमेशा ही फ्रेश रहेंगे। क्या करेंगे कि एक बड़ा सा बर्तन लिया है मैंने और बर्तन में सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गर्म पानी। ये लूक वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगी विनेगर। यस, विनेगर डालने से क्या होगा कि जितने भी कीटाणु, जितनी भी चिकनाई, तेल वगैरह हमारे किचन टॉवल में लग गए हैं वो सारे बहुत ही आसान तरीके से चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिशवॉश भी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर किसी तरह का डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसे मैं 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी और देन इसे नॉर्मल तरीके से वॉश कर लूंगी। जब आप इस तरह से अपने किचन टॉवल को साफ करते हैं तो इसे साफ करने का जो टाइम होता है वो बिल्कुल आधा हो जाता है, प्लस इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको अपने आंखों के सामने ही नजर आ जाएंगे। बिल्कुल हमारा फ्रेश किचन टॉवल हो जाएगा, किसी भी तरह की चिकनाई इसमें नहीं लगी रहेगी। नेक्स्ट, हम जो सब्जियां वगैरह अपने चॉपिंग बोर्ड में काटते हैं तो क्या होता है, कई बार चॉपिंग बोर्ड इधर उधर घूमने लगता है, मतलब नीचे ग्रिप ना होने के कारण ये बहुत ही जल्दी अपनी जगह से मिसप्लेस होने लगता है, जिस कारण से हमारी कटिंग का प्रोसेस भी लंबा हो जाता है और हमें इरिटेशन भी होती है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें कि नीचे एक किचन टॉवल को आप बिछा दें और उसके ऊपर थोड़े से पानी के छींटे मार दें एंड देन उसके बाद आप चॉपिंग बोर्ड रख के अपने कोई भी वेजिटेबल को आसान तरीके से कट कर सकते हैं। ना तो आपका चॉपिंग बोर्ड इधर से उधर होगा और ना ही आपको किसी भी तरह की इरिटेशन होगी। वेल, हम जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो हमारे टैप का फ्लो इतना ज़्यादा हाई रहता है कि हमारे कपड़े वगैरह भी भींग जाते हैं, जिस कारण से ठंड के दिनों में हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह का ये जो टैप फिल्टर होता है उसे मैं अपने टैप में लगा के रखती हूँ। इसे मैंने रिसेंटली एक ट्रेड फेयर से खरीदा था जिसकी प्राइसिंग मुझे 40 रुपये पड़ी थी। तो 40 रुपये में ही मैं बहुत ज़्यादा काम को आसान कर देती हूँ कि लगाने से क्या होता है कि टैप का जो फ्लो होता है यानी पानी का जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आता है, जिस कारण से बर्तन धोना, सब्जियां धोना, कोई भी चीज को धोना मेरे लिए काफी ज्यादा सूथिंग रहता है। सर्दियों में हमारे किचन में बहुत सारी फरमाइशें आने लगती है, जैसे आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। तो आज मैं आपको कम समय में कैसे आप 2 तरह के स्नैक्स आसानी से बना सकते हैं वो बता रही हूँ। मेहनत एक ही लगेगा लेकिन 2 तरह के स्नैक्स बन जाएंगे और इन दोनों स्नैक्स को आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी खा सकते हैं। एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसके बाद मैंने डाला है मखाना सीड, जिसे हम लोटस सीड भी कहते हैं, और उसे मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट करूंगी। थोड़ा सा घी दिया है जिस कारण से ये बहुत ही जल्दी क्रंची हो जाएगा। वेट लॉस की जर्नी में हर किसी का सपना रहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने वेट को कम करें,
लेकिन क्या होता है कि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट को प्लान कर लेते हैं, हेल्दी लंच को प्लान कर लेते हैं और हेल्दी डिनर को भी प्लान कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, मिड डे स्नैक्स में। 12 बजे जो हमें भूख लगती है, शाम के 4 से 5 बजे जो हमें भूख लगती है, उस समय हम कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं जिस कारण से हमारा वेट लॉस का जर्नी पूरा का पूरा ही धरा का धरा रह जाता है। मैं क्या करती हूँ, कुछ हेल्दी स्नैक्स को हमेशा ही बना के तैयार रखती हूँ। तो लगभग 10 से 12 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी क्रंची हो जाएगा। तो आधा को मैं निकाल रही हूँ, आधे को मैं एक जार में फिल कर रही हूँ एज इट इज़, और उसमें थोड़ा सा पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर को मैं डालूंगी, और जब मैं इसे खाऊंगी तो हल्का सा नमक का भी यूज़ करूंगी। तो ये इंस्टेंट हमारा मिड डे स्नैक्स बन के तैयार हो जाता है। बच्चे इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे बना के रख सकते हैं। सेकेंड जो मैं बना रही हूँ इसकी रेसिपी, वो मीठे की बना रही हूँ। तो क्या करेंगे कि वही पैन में मैंने थोड़ा सा गुड़ दिया है और गुड़ की क्वांटिटी लगभग 200 ग्राम है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 पानी का यूज़ किया है, और गुड़ जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। मैं मखाना पाक बना रही हूँ, ये आप वेट लॉस की जर्नी में खा सकते हैं, अपने बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, शाम के स्नैक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में गुड़ खाना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट होता है, यहाँ पर मैंने थोड़े से रोस्टेड मूँगफली लिए हैं, यानी ये जो बादाम, लाल बादाम आते हैं वो लिया है, रोस्टेड है ये, तो इसे मैं हल्का सा क्रस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे चला सकते हैं, बट इस तरह से क्रस्ट करने से इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही परफेक्ट रहता है। अब गुड़ में डालेंगे आधा चम्मच घी। तो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें मखाने को डालूंगी। अब मखाने को डालने के बाद यहाँ पर मैं रोस्टेड मूंगफली डाल रही हूँ, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे मिनटों में दो तरह के मीठा और नमकीन स्नैक्स बनके तैयार हो गया है। तो 4 से 5 मिनट जब आप इसे एज इट इज छोड़ देंगे तो ये सारे मखाने एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। आप इसे तोड़ के अलग कर सकते हैं और एक एयर टाइट कंटेनर के जार में भर के आप 1 महीने तक इसे आराम तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो अब जब मीठा खाने का मन हो तो मीठा तैयार है, और जब नमकीन खाने का मन हो तो नमकीन भी तैयार है। तो जब हम किचन में काम करते हैं तो हमारे खाना बनाने के दौरान हमारे हाथों में बहुत सारे कट्स लग जाते हैं, जो देखने में ख़राब तो लगते ही लगते हैं, प्लस हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी देते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में चाकू में इस तरह से अपनी सब्जी वगैरह लगा के डायरेक्ट अपने कढ़ाई में डालते हैं। ऐसा करने से ही हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा कट लग जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप चॉपिंग बोर्ड में ही सबसे पहले अपनी सारी कटिंग वगैरह कर लें और देन फिर सब्जी वगैरह को बनाएं। ऐसा करने से आपके हाथों में कट भी नहीं लगेंगे और आपको किसी भी तरह का दर्द भी नहीं होगा। तो अब से अगली बार सारी चॉपिंग को एक साथ निपटा लें, उसके बाद ही आप अपना खाना को बनाएं। ठंड के दिनों में पनीर का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और कभी कभी जब पनीर बच जाता है तो हम सोचते हैं कि इस पनीर को किस तरह से स्टोर करें कि ये लंबे दिनों तक ख़राब ना हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बोल ले लें या इस तरह का एक कंटेनर ले लें, और कंटेनर में डाल दें आप पानी। पानी डालने के बाद आप डाल दें पनीर। बस ध्यान देना है कि आपका पनीर पूरी तरह से पानी में डूबा रहे, और इसके बाद आप इसे फ्रिज में 7 दिनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। पनीर ना तो खट्टा होगा ना ही हार्ड होगा, ये जैसा आपने अभी रखा है 7 दिन बाद भी आपको वैसा ही मिलेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपके लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाने में ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।